देश को कई राष्ट्रपति मिले हैं, उनमें से एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी नाम आता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम कह सकते हैं हु वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं हु वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। और आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि शिक्षक दिवस, इस शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये दिन 5 सितंबर बहुत ही हमारे भारत देश में बहुत ही उल्लास तरीके से, बहुत खुशी तरीके, खुशी के माहौल से मनाया जाता है। आज के दिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, जिसका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। वह आज के दिन पैदा हुए थे और इसी खुशी में पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे बहुत दार्शनिक विद्वान थे, महान दार्शनिक विद्वान थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक शिक्षा के क्षेत्र में, दार्शनिक शास्त्र में विद्या अध्ययन की, काफ़ी यूनिवर्सिटियों में उन्होंने अध्यापन भी कराया। और वे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 में बने। उसके बाद 1954 में उनकी शिक्षा को देखकर दार्शनिक शास्त्र महान दार्शनिक के विद्वान के रूप में उनको भारत रत्न से नवाजा। 1954 में भारत रत्न से नवाजा। फिर 1962 में उन्हें भारत का द्वितीय राष्ट्रपति घोषित किया गया, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति को और सेकंड राष्ट्रपति को, जिनको हम कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे बहुत अच्छे शैक्षिक विद्वान थे और उनका जो है 1954 में हम कह सकते हैं भारत रत्न से उनको नवाजा गया पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा। तो उन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे बच्चों से काफ़ी लगाव किया करते थे, तो इस शुभ अवसर पर हमारे NRW के बच्चों ने हमें कुछ गिफ्ट प्रदान किए हैं। हम इनका मोस्ट वेलकम करते हैं और उनके भविष्य की कामना करते हैं, ताकि आने वाले एवरी ईयर प्रति डे पर जो है सभी टीचरों को ऐसे गिफ्ट देकर उनको वेलकम करें, उनका रेस्पेक्ट करें। तो हम उनके भविष्य की कामना करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी इस दिन पर बहुत ही अपने कॉलेजों के अंदर, अपने किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, एजुकेशन एरिया में इस दिन को अच्छे तरीके से मनाएं, क्योंकि ये बहुत शुभ दिवस मनाया जाता है। टीचर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ओनली शिक्षक को यही एक दिवस दिया जाता है जिसमें उसका मैक्सिमम रेस्पेक्टेड किया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को वे एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो जो बच्चा जो गिफ्ट देना चाहता है, अपने सर को बैठ कर आए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आए इधर आओ बेटा। अभी ये बच्चा आया था, कौन सा आया था, आइए। नेक्स्ट आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आइए, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। और ये इवनिंग में जो बैच चला है, इसने ये गिफ्ट भेंट किया है। और स्टार्टिंग में, पहले आफ्टरनून में और मॉर्निंग में जिन बच्चों ने हमें गिफ्ट भेंट किया है, हम उनकी वीडियो नहीं बना पाए, तो हम कहना चाहते हैं कि उनके भविष्य की भी आप कामना करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।